इसमें से होके आना पड़ रहा है, ये इतने में से। यू कैन सी दिस, थोड़ा सा। ओ गॉड यार, मेघालय इतना साफ सुथरा है ना, इतना साफ सुथरा है कि रोड पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग ने कैन फेंका है, कहीं कुछ फेंक दिया है, और यहाँ के लोकल लोग उठा उठा के फिर डस्टबिन में डाल रहे हैं। मत करो भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सोच रहा हूँ कि आज पूरी चेरापूंजी घूमूं, देखता हूँ कितना कर पाऊँगा। गट बहुत है कि कर लूँगा, बट लेट्स सी। और अभी तो क्या ही धूप, कड़ाकेदार धूप निकली हुई है, मस्त धूप है आज तो। बस ठंडा लग नहीं लगना चाहिए, बट अभी तो लग रहा है रूम में, देखते हैं बाकी आगे। और नहीं ठंडी है, धूप में नहीं लग रही है, ऐसे ठंडी है यहाँ पे। और ये हमारा होम स्टे काफ़ी शानदार। यहाँ पे सोनू जी रेडी हो रहा है, हो गया रेडी। चलिए अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकल जाएंगे डबल डेकर रूट ब्रिज पहले जाएंगे। हाँ डबल डेकर रूट ब्रिज जाएंगे, उसके बाद सिंगल रूट, उसके बाद कुछ फॉल्स है वहाँ पे आसपास, रेनबो फॉल्स और समथिंग, वो देखेंगे। और उसके बाद एक केव करेंगे जो कि पूरी अपोजिट साइड है, तो मैं हो सके तो आपको रूट भी दिखा दूंगा कैसे जाना है। हम लोग अभी पूरे सेंटर ऑफ चेरापूंजी में हैं, और चेरापूंजी से फिर ये आज का ट्रेकिंग तो नहीं बोलूँगा, इसको जर्नी बोलूँगा, आज का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। बस अब हम चल दिया यहाँ से, जा रहे हैं हम माउसोमाई केव जा रहे हैं, लाइमस्टोन केव है। और अभी हम बस ये अपने होमस्टे से निकल रहे हैं, जा रहे, देखते हैं। 4.5 किलोमीटर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलिए वहीं पे मिलते हैं डायरेक्ट। ये हम पहुँच गए माउसोमाई केव्स, और ये पार्किंग एरिया है माउसोमाई केव का, जहाँ आप कार, बाइक, स्कूटी जो भी आप ला रहे हैं वो पार्क कर सकते हैं। माउसोमाई केव हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब जा रहे हैं केव के अंदर। बहुत धूप है, पता नहीं गर्मी हुआ क्या, यहाँ पे तो उतना ठंडा नहीं लग रहा है, नॉर्मल सही है, इधर से नहीं आ रहा है, तो चलिए चलते चलिए। यहाँ पे कुछ रेट्स भी है, जैसे अडल्ट का 30 रुपीज़, चिल्ड्रन 10 रुपीज़, एंड आई डोंट नो अबाउट कैमरा, यहाँ फ्री लिखा हुआ है। शूटिंग फील 1000 रुपीज़ है, विजिटिंग आवर्स है 9:30 to 5:30 PM, और ये मैप है जो हम लोग करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। 30 रुपीज़ लगा, और यहाँ से एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से 30 रुपीज़ पर हेड लगा, और कैमरे का कोई रूप नहीं लगा। तो चलिए यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, सीढ़ी है, स्टेप्स है, और क्या ही जंगल है, खूबसूरत जंगल है, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग लाइक अ वाओ ब्रो, इट्स लुकिंग लाइक वाओ, इंग्लिश का धज्जिया उड़ाते हुए। ये भी लगता है लाइमस्टोन केव ही है, छोटा छोटा, देखो यार लिटरिंग कर देते लोग। यार मेघालय इतना साफ सुथरा है ना, इतना साफ सुथरा है कि रोड पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग ने कैन फेंका है, कहीं कुछ फेंक दिया है, और यहाँ के लोकल लोग उठा उठा के फिर डस्टबिन में डाल रहे हैं। मत करो भाई, अपना कचरा अपने साथ लेके जाओ, खुले में सोच मत करो, सोच बदलो, ज़्यादा ज्ञान दे दिया, चलो आगे चलते हैं। 4-5 सीढ़ी चढ़ते ही केव स्टार्ट हो जा रही है, और ये देखिए, पता नहीं ये लाइमस्टोन लग रहा है, देखते हैं। और ये कितना ब्यूटीफुल है, माय गॉड, वाओ, नाइस यार, इट्स अमेजिंग। और ये पूरा ऐसे केव्स ला रहा हूँ, ये पूरा केव्स के जल रहा अंदर, और माय गॉड,
ओह माय गॉड, अरे यार क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाएगा तो। काफी नीचे है यार। सॉरी हैव टू वॉक लाइक दिस, ऐसे चलना पड़ रहा है। टू अमेजिंग, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है, बहुत ही सही है। सो देर आर बहुत सारे ब्रिज है और यह ऐसे उठा हुआ है और यहाँ से करके जाना है। ये यार बहुत ही सुंदर है, लोग यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है, ब्रिजेस भी हैं, छोटे छोटे ब्रिज बने हुए हैं जिससे हम जा सकते हैं। और फिर से ये केव आ गया, इसमें झुक के जाना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा कैमरा लेके जाना डिफिकल्ट है, ऐसे करके जाना पड़ रहा है। इसमें से होके आना पड़ रहा है, ये इतने में से। एंड लुक दिस ब्यूटी, ओ माय गॉड द कार्विंग्स, क्या ही सुंदर है यार। सो गाइज ये काफी मस्त कार्विंग्स हो चुकी है, लग ये आई थिंक वाटर से हुआ है एंड यू कैन सी दिस थोड़ा सा। ओ गॉड, और ये लाइट चली गई। एंड दिस इज लाइक इट्स नॉट डेंजरस, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हाँ थोड़ा सा लाइट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ओ माय गॉड लुक दिस ब्यूटी, इट्स लाइक अ क्वांटम कंप्यूटर, क्या ही कार्विंग है। ओ माय गॉड, अंधेरा ही अंधेरा, ओ सीरियसली। एंड आई थिंक आ गया लाइट, आ गया फाइनली, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड हम अभी केव के बहुत ही अंदर है जहाँ पे थोड़े थोड़े पानी भी टपक रहा है। ये देखिए लाइमस्टोन, ये देखिए ये लाइमस्टोन से पानी जैसा टपक रहा है, और क्या ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स आ गई है। और अगर सिर्फ पानी टपक के और ये बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी टपका हुआ है और ये कार्विंग्स बन रहे हैं पानी से ही, नीचे भी लगभग देखिए सेम। व्हाट एन ब्यूटी, हुक लगा हुआ है, लोग आ रहे उधर से। इट्स लिटिल डेंजरस, अगर कोई रिकॉर्ड करा जैसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे फोन रख रख के आना पड़ रहा है। और वाह सर्दी भी हो गया फिर से, एंड थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पे। यार ये कार्विंग्स देखिए, ऐसा लग रहा है कोई जानवर का मुंह है, एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ये देखिए आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ केव, यहाँ से रास्ते थोड़े चौड़े हो जा रहे हैं, बट माय गॉड लोग फोटो ले रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हाट्स अ ब्यूटी, लाइक अच्छा ये पत्थर भी है क्या बीच में, यहाँ पत्थर एक अटका हुआ है। यार इतने सुंदर कार्विंग्स बन गए हैं ना,
कि मैं बयां नहीं कर सकता। सो गाइस, मैं इसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफ़ी छोटा है, देखते हैं अंदर क्या है। लाइक इट्स बॉटल्स फेंका हुआ है और कुछ भी नहीं है, ये ऊपर जा सकते हैं, ये पूरा बंद ही है, अंदर कुछ है नहीं। यहाँ पे शायद झुक के जाना पड़ेगा, इट्स टू डीप, इसमें नहीं जा सकते और यहाँ तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो छोड़ो निकलते हैं, यहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटा है, मेरे साइज के लिए तो नहीं है। ज़्यादा बेयर ग्रिल्स नहीं बनना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और मुंह से फॉग नहीं, मुंह से भाप निकल रहा है, इट्स टू कोल्ड हियर, नहीं जा सकते हैं। हम लोग इधर से आए और इधर को फोटो लिए, अब इधर से निकल रहे, आगे बढ़ रहा, तो देखते हैं कैसा और क्या है। आई थिंक इधर मूव करना, राइट? द केव इज फॉर केवर्स एंड एक्सप्लोरर्स ओनली, टूरिस्ट विदाउट प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज आर नॉट अलाउड टू एंटर द केव। अब ठीक है, सो दिस वॉज एंडिंग, यहाँ ख़त्म हो जा रहा है केव और हम लोग, अब हो गया आज। ये क्या था, ओए नाम क्या था केव का? मौसमाई कुछ था, मौसमी, बाबे मौसमी नहीं था, हट, मौसमाई केव, मौसमाई केव था, मौसमाई केव हो गया आज का। लंबा फॉर्म वैसे काफी अच्छा था, लेकिन लाइक इट वाज टू नेचुरल एंड टू क्लीन, ब्यूटी, एवरीथिंग, यू विल फील लाइक इट्स अ केव। या केव वाज लाइक अ गुड, अमेजिंग, मैं बयां नहीं कर सकता, आप आओगे तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड दिस इज टोटली अ सो इट्स डन फॉर डे, नॉट फॉर द डे, अभी ग्रुप ऑफ केव्स जाएंगे, इसके बाद आज के लिए हो गया यहाँ का, बस इतना ही था। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 minutes टू एक्सप्लोर द केव, अगर आप फोटो लेते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज ठीक है। और बाकी ये जंगल जैसा कुछ है, सो केव कर लिए, अब जाएंगे दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो कि देखते हैं अभी क्या कहाँ जाएंगे पता भी नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं आज यहाँ के लिए, बाय। What a song, baby song by Norvex, sound is your max. Yo yo, what about Chanji? Ah ah.